दोस्तों, पैदा होते ही मीना कुमारी को अनाथालय के बाहर छोड़ आए थे पिता। क्वीन बन बॉलीवुड पर ऐसे किया राज। दिखता है आपको नशे की लत लग चुकी है। मेरे स्वामी उन्हीं के नशे में चूर रहती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं पियूं। दोस्तों, शराब की लत के कारण हुई थी मीना कुमारी की मौत। आखिरी दिनों में बॉलीवुड को कोसने लगी थी एक्ट्रेस। चलते चलते दोस्तों, मीना कुमारी की मौत के बाद उनके परिवार के पास अस्पताल में देने के लिए 3500 रुपए भी नहीं थे। जाने किसने चुकाए थे बिल। पति कमाल अमरोही ने 3 शर्तों पर दी थी फिल्मों में काम करने की इजाजत। जाने क्या थी वो 3 शर्तें। तो दोस्तों, बने रहे स्टोरी के अंत तक और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट शिवानी और आप देख रहे हैं लेमन चूस कैंडी। दोस्तों, ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम है। उन्होंने एक से बढ़कर एक यादगार किरदार निभाए जिनके चलते वह अमर हो गई। भले ही वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्मों के जरिए उनके होने का एहसास बना रहता है। फिल्मों में इमोशनल सीन करते वक्त वे इसमें जान फूंक देती थी। आज हम उन्हें याद करते हुए उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मीना कुमारी के पिता अली बख्श मुस्लिम और माँ बंगाली क्रिश्चियन थी। माता पिता ने इनका नाम महजबीन रखा था। महजबीन यानी मीना कुमारी के पिता अपनी दूसरी औलाद बेटा चाहते थे, लेकिन उनका जन्म हो गया जिससे उनके पिता बेहद दुखी थे। मीना के जन्म के बाद माता पिता के पास डॉक्टर को देने के लिए पैसे नहीं थे, तो वह उनको किसी अनाथालय के बाहर छोड़ आए। लेकिन बाद में पिता का मन नहीं माना तो वह बच्ची को वापस गोद में उठा लाए। दोस्तों, घर की परिस्थितियां ठीक न होने की वजह से मीना ने महज 7 साल की उम्र से ही एक्टिंग शुरू कर दी थी। उनकी पहली फिल्म पर जाए हिंद थी, जिसके बाद उन्होंने अन्नपूर्णा, सनम, तमाशा, लाल हवेली में भी काम किया। लेकिन उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया फिल्म बैजू बावरा ने। यह फिल्म साल 1952 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के बाद मीना सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली गई। दोस्तों, मीना कुमारी की जोड़ी सबसे ज्यादा बॉलीवुड अभिनेता अशोक कुमार के साथ जमी। लोगों को दोनों के बीच की केमिस्ट्री खूब पसंद आती थी। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। उनकी अभिनय क्षमता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अपने फिल्मी करियर में उन्होंने 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किए। दोस्तों, मीना कुमारी ने अपने एक्टिंग करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी। साठ के दशक में उनकी किस्मत चमकने लगी थी। इस दौरान वह दिल अपना प्रीत पराई, परिणीता, आजाद, कोहिनूर जैसे फिल्मों में नजर आई। दर्शकों ने इस फिल्मों को खूब पसंद किया। इसके अलावा उन्होंने साहेब बीवी और गुलाम और फिल्म आरती में अपनी एक्टिंग के लिए खूब वाहवाही लूटी। मीना कुमारी का जन्म 31 मार्च 1933 को मुंबई में हुआ था। मीना ने स्कूल की पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। वह शायरी की शौकीन थी। काली काली ये घटाएं, ये बरसता पानी, बन गया दिल के लिए आग का शोला पानी। मीना बचपन से ही अभिनय करती आ रही थी, जिस कारण उन्हें लाइमलाइट और कैमरे से दूर रहना नामुमकिन था। लेकिन जब वह मौत के कगार पर पहुंची
तो उसी बॉलीवुड इंडस्ट्री को कोसने लगी थी। फिल्मों और करियर को लेकर मीना की किस्मत जितनी अच्छी थी, उनकी असल जिंदगी उतने ही तूफानों से भरी हुई थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतने दुख देखे थे कि उन्हें ट्रेजेडी क्वीन भी कहा जाने लगा। जहां बचपन में मीना को कोई सुख नहीं मिला, वहीं उनकी शादीशुदा जिंदगी भी सुखी नहीं रही। एक साथ काम करते हुए कमाल अमरोही और मीना कुमारी एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और शादी करना चाहते थे। कीजिएगा, इत्तेफाकन आपके कंपार्टमेंट में चला आया था। आपके पांव देखे, बहुत हसीन है। इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। आपका एक हम सफर। लेकिन कमाल पहले से ही शादीशुदा थे, इसलिए उन्होंने चोरी छिपे मीना से निकाह किया। शादी के कुछ महीने बाद ही दोनों के बीच झगड़े होने लगे। कमाल को मीना का देर रात तक काम करना पसंद नहीं था, साथ ही वह उन पर रोक टोक भी लगाते थे। वो जो मिलते थे कभी हमसे दीवानों की तरह। इंटरव्यू के दौरान कमाल के बेटे ताजदार ने खुलासा किया था कि उन्होंने मीना के सामने शादी की कई शर्तें रखी थी, जैसे वो 6 बजे से पहले घर लौट आएंगी, रिवीलिंग कपड़े नहीं पहन सकती, किसी को स्टार के साथ बाहर नहीं जाएंगी और ना ही कोई फिल्म साइन करेंगी। बाप ने पीछे घर से निकाल दिया। कमाल ने पहली बार मीना को तब देखा था जब वह 5 साल की थी। दूसरी मुलाकात करवाई अशोक कुमार ने। कमाल ने मीना को अनारकली में कास्ट किया, लेकिन फिल्म रुक गई। अनारकली, इधर देखो, मैं तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत का इकरार देखना चाहता हूँ। इन्हें न देखिए शहजादी, इनमें कनीज की सहमी हुई हसरतों के सिवा और कुछ नहीं। इसी समय मीना का एक्सीडेंट हुआ। कमाल रोज अस्पताल गए और जब पाबंदी लगी तो खत लिखते लिखते दोनों को प्यार हो गया। दोनों ने दुनिया से छुप कर 14 फरवरी 1952 में शादी कर ली थी। शादी के बाद कमाल ने मीना को फिल्मों में काम करने की इजाजत तो दी, लेकिन कई पाबंदियों के साथ। शर्त थी कि मीना के मेकअप रूम में कोई पुरुष नहीं आएगा। वो रोज 6:30 बजे घर लौटे, मीना पर नजर रखी जाने लगी। साहिब बीबी और गुलाम फिल्म की शूटिंग में जब देर हुई तो मीना ने रोते रोते शूटिंग की। देखते ही देखते अनबन मारपीट तक पहुंच गई। मीना पर सख्ती ऐसी थी, जब एक बार गुलजार साहब मीना के मेकअप रूम पहुंचे तो कमाल के असिस्टेंट बकर अली ने मीना कुमारी को सबके सामने थप्पड़ मार दिया। शिकायत की तो कमाल ने उनकी बात नजरअंदाज कर दी। कमाल की लगाई गई पाबंदियों के कारण मीना को उनकी जिंदगी कैद जैसी लगने लगी। लोग उन्हें पिंजरे का पंछी भी कहने लगे, जिसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करने की इच्छा जताई। लेकिन कमाल ने इन शर्तों पर उन्हें काम करने दिया कि फिल्म की सारी स्क्रिप्ट पहले वह खुद पढ़ेंगी। दोनों के बीच झगड़े बढ़ते गए और आखिरकार एक रोज दोनों तलाक के बाद अलग हो गए। हालांकि तलाक के बाद भी मीना कमाल की फिल्मों में काम करती रही। मीना कुमारी को शराब पीने की लत लग चुकी थी। ज्यादा शराब पीने के कारण उनकी हालत खराब होती गई और वह गंभीर बीमारी की शिकार हो गई। मुझे नशे की लत नहीं लगी रे, बल्कि बल्कि क्या? कहा जाता है कि आखिरी दिनों में जब वह अकेली थी तब उन्हें गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कमाल से माफी भी मांगी थी। कमाल ने भी उन्हें माफ कर दिया। जिसके बाद उन्होंने पाकीज़ा फिल्म की शूटिंग पूरी की, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद ही वह लिवर सिरोसिस बीमारी की शिकार हो गई और दवाई की जगह शराब पीने लगी। आखिरकार 31 मार्च 1972 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तुम्हारा घर किसी बहुत ऊंची जगह पर है, बिल्कुल सफेद। अभिनेत्री का 39 की आयु में निधन हो गया और वो अपने अंतिम दिनों में लोकप्रिय अभिनेता आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि बैंक में 3500 रुपये भी नहीं थे कि अस्पताल उनके शव को छोड़ सके। निर्देशक बिमल रॉय की बेटी रिंकी रॉय भट्टाचार्य ने 2014 में रेडिफ के साथ एक साक्षात्कार में बताया था कि 1972 में जब उनका निधन हुआ तो प्रसिद्ध अभिनेता की वित्तीय स्थिति बेहद खराब थी। उन्होंने साझा किया, जब उच्च क्षमता की अभिनेत्री सिनेमा की देवी थी, 31 मार्च 1972 की दोपहर
3:25 पर सेंट एलिजाबेथ के नर्सिंग होम में उन्होंने अंतिम सांस ली। मेरी आंखों से मेरे ख्वाब न छीनिए शहजादे, मैं मर जाऊंगी। उनके पास अपना शरीर त्यागने के लिए आवश्यक 3500 रुपए भी नहीं थे। रिंकी ने बताया कि डॉक्टर को हस्तक्षेप करना पड़ा और भुगतान करना पड़ा ताकि परिवार अवशेषों को दफना सके। यह एक चमत्कार था जब उसके चिकित्सक ने परिवार को राहत दी। दिवंगत गायिका लता मंगेशकर, जिन्होंने पाकिजा अभिनेता के साथ घनिष्ठ संबंध साझा किया था, ने भी एक किस्सा याद किया जब वह अपने आखिरी दिनों में मीना से मिली थी। लता ने मीना कुमारी की कई हिट फिल्मों को आवाज दी थी और पाकिजा में उनके किरदार साहिब जान की आवाज भी दी थी। रेडिफ के साथ 2021 के एक साक्षात्कार में लता को यह कहते हुए उद्घृत किया गया था कि जब उन्हें मीना के स्वास्थ्य के बारे में पता चला तो वह उनसे मिलने गई। मीना ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे चाय की पेशकश की। लेकिन गायिका को एहसास हुआ कि वह उस हालत में अपनी गर्मजोशी के अलावा मुझे कुछ भी देने की स्थिति में नहीं थी। उन्होंने साझा किया, मुझे पता चला था कि वह बीमार थी। जब मैं फूल लेकर उनके घर पहुंची तो उसने कहा, अल्लाह आप यहाँ आए, मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ। हमने बात की, उसने मुझसे चाय के लिए पूछा। लता ने याद किया कि जब वे 1968 में एक पुरस्कार समारोह में मिले थे तब भी मीना पतली और पीली दिखने लगी थी। फिल्म निर्माता सावन कुमार टाक, जिन्होंने उन्हें एक प्रेरणा के रूप में देखा, ने फिल्म फेयर के साथ एक साक्षात्कार में दावा किया कि उन्होंने उनके अंतिम दिनों के दौरान अस्पताल को 15,000 रुपए का बिल चुकाया था। उन्होंने यह भी साझा किया कि उसके निधन पर उन्होंने उनके ताबूत को कंधा भी दिया था। उन्होंने कहा, मैंने एक बार 15,000 रुपए का बिल चुकाया था। इसके लिए मैंने अपनी स्टैंडर्ड कार बेच दी। उसके कुछ सप्ताह बाद उसकी मृत्यु हो गई, मैंने उसे कंधा दिया। मीना जी को अपने जीवन में बहुत कुछ सहना पड़ा। अनगिनत फिल्मों में चकाचौंध में नजर आने वाली मीना कुमारी की जिंदगी हमेशा से ही प्यार की मोहताज रही और अंत इससे भी बुरा हुआ। शादी टूटने के बाद मीना भी टूट चुकी थी। मीना नशे और नींद की दवाइयों की गुलाम बन गई। नशे की लत उनकी गंभीर बीमारी लिवर सिरोसिस का कारण बनी। लोगों से दूरियां बढ़ गई और मीना तन्हाई में रहने लगी। मीना ने कमाल अमरोही की फिल्म पाकिजा में काम करना जारी रखा। मीना जानती थी कि उनके पास अब ज्यादा समय नहीं है। 14 सालों में फिल्म पूरी हुई, जिसका प्रीमियर 3 फरवरी 1972 में मराठा मंदिर में हुआ। प्रीमियर में मीना कमाल के ठीक बाजू में बैठी थी। फिल्म देखकर मीना ने दोस्त से कहा, मैं मान गई हूँ कि मेरे पति एक मंझे हुए फिल्म मेकर है। ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। रिलीज के अगले महीने 28 मार्च को मीना को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां वो कोमा में चली गई। ठीक 2 दिन बाद 31 मार्च को मीना कुमारी का निधन हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। आप हमें कॉमेंट में अपना विचार अवश्य दें। धन्यवाद।